देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। 19 जनवरी 2024 और 8 फरवरी 2024 बहुत कम वक्त रह गया है इलेक्शंस में। आम इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन आम इंतखाबात में इतना कम वक्त हो और अभी तक इस बात को इबहाम पैदा किया जाए कि आम इंतखाबात बरवक्त हो सकेंगे या नहीं, सिक्योरिटी सूरत हाल, मौसम की सूरत हाल और दीगर बहुत से मामलात हैं जो आज भी इस बात का सवाल उठा रहे हैं। और एक आम आवाम जानना चाहती है कि क्या जो आम इंतखाबात होने हैं पहले तो बरवक्त हो सकेंगे या नहीं, और ये आम इंतखाबात अगर हो भी जाते हैं तो उसके बाद जो हुकूमत कायम होगी वो हुकूमत कैसी होगी, वो कितनी मजबूत और मुस्तहकम होगी, क्या वो अगली हुकूमत भी 5 साल मुकम्मल कर सकेगी या नहीं, या माजी की तरह यही कुछ होता नजर आएगा। साथ साथ ये भी ऐड करते चलें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हमसायों के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल थी वो कुछ हद तक डिफ्यूज तो हुई है, लेकिन ये कशीदा सूरत हाल जो पैदा हुई उसके पीछे के मौरिकात क्या थे उसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से भी कौम में कुछ स्प्लिट पाया जाता है, उसको भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि क्या ईरान को जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया वो बरवक था, सही था, नहीं था, अवॉइड किया जा सकता था, ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जिसका आज प्रोग्राम में तस्करा करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है हमारे पैनल्स में जनाब सलमान अहमद साहब, बड़े जबरदस्त एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ मौजूदात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, माशी सियासी और दीगर हवालों से आपने इनकी अक्सर गुफ्तगू सुनी होगी। साथ में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद हसन कुरैशी साहब, सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप दोनों हजरात का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब जो कि कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी के, और ये भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए। मैं आप तीनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और आपको शुक्रिया कि आप लोग यहां पर तशरीफ लाए। हसन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज या वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पे इलेक्शंस को लेके एक भाम रहता है, इलेक्शंस हैं नहीं हैं, हो रहे नहीं हो रहे हैं, एंड इवन यहां तक हम इस डेप्थ में चले जाते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है, इनफैक्ट कानून में लूप होल्स क्या है, वी टॉक अबाउट दैट व्हेन कम्स टू इलेक्शंस, व्हाई इज इट सो। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि हम लोगों की जो आबादी है 22 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। अब जितने लोग हैं उतने जहन हैं जी, जितने लोग हैं उतनी ज़बानें हैं। अब उसी तरीके से आपके पास जो फीडबैक है, डेटा है, समझने के जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत बढ़ता जाता है। अच्छा, फिर हमारी कुछ खसूसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाहिद न्यूक्लियर मुस्लिम पावर, उसी तरह हम वॉच लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा हमारी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, उसके मद्देनज़र रखते हुए भी हम स्पॉटलाइट में रहते हैं। अब इन सब अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए तो यहाँ पर हम जो है ना एक बहुत बड़े चेस बोर्ड के ऊपर एक बहुत अहम प्लेयर हैं। अब उस पर उस सिनारियो के अंदर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहे और यहाँ पर कशीदगी रहे, और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी भी हैं, वो चाहते हैं कि जी हम परेशान रहें ताकि उनको फायदे होते रहें, और दोस्त हमारे बहुत कम हैं, और उन सब अवामिल के दरमियान हमारी सिचुएशन है और जिस पे हमें जो है ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी पड़ती है बार बार। अब जो आपने अभी इलेक्शंस का हवाला दिया, इलेक्शंस देखें, हमारे आईन पाकिस्तान के तहत हमारे हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए, और अभी जो लास्ट इलेक्शंस हमारे हुए थे 2018 में, उसके बाद 2023 में होने थे। अब अगर हम मिसाल के तौर पे इस इंटरिम गवर्नमेंट को अगर आप समझ लें कि केयर टेकर सेटअप को अगर प्रोलॉन्ग करते हैं तो हमारी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन एक लिहाज से हो रही है। सही है। तो वो वायलेशन अगर होती है तो उससे हमारी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी करेक्टरिस्टिक है मुल्क की वो डिस्टर्ब होती है, और वो अगर हम उसको प्रोलॉन्ग नहीं करते केयर टेकर सेटअप को, अगर हम टाइम पे इलेक्शन करवा देते हैं तो इलेक्शन के बाद जो कुछ होना है हो जाए, आप इलेक्शन टाइम पे करा लें ताकि उस एक बाउंड क्लियर हो जाए, उसके बाद के जो जो प्रॉब्लम्स होंगे, जब कहते हैं ना जब ब्रिज आएगा फिर आगे देखेंगे, तो उसके बाद के अवामिल बाद में देख लेंगे। उसके लिए अगर बाय इलेक्शंस होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का हिस्सा है, अर्ली इलेक्शंस होते हैं वो हो जाए, लेकिन अभी जो एट द मोमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप होने को है वो नहीं होगा अगर हम टाइम पे इलेक्शन करा लें। चलें, ये बड़ी जबरदस्त बात की कि टाइम पे इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन सैफुद्दीन साहब अभी हम जिस टाइम की इलेक्शंस की बात करूँ, टाइम तो बहुत पहले गुजर चुका है ना, तो अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पहले तो मुझे बताएं कि मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है कि लोग घरों में मौजूद हैं उनको ये नहीं पता कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस 15-20 दिन के फासले पे, हमें ये नहीं दिख रहा कि इलेक्शंस का कोई माहौल हो, कैसे ये मतलब इलेक्शंस हो कैसे रहेंगे।
असल में देखें, जो बुनियादी तौर पर जो इदारे इन कामों के ज़िम्मेदार हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस चीज़ का ज़िम्मेदार है उसको वो सही तरह अंजाम ही नहीं देता, ना वो लिस्टें सही बनाता है, ना वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सही बनाता है, ना वो आर ओ सही तकरूर करता है, ना वो पोलिंग स्टेशन सही बनाता है। हर चीज़ में लोग रो रहे होते हैं। तो अब इसका कोई ख़ास मकासद होते हैं कि जिसकी वजह से सारी चीज़ों में इबहाम रखा जाता है? फिर इसी तरह जब आप आगे आ जाएँ, जैसे कि अभी फरमा रहे थे कुरैशी साहब कि जी आईने पाकिस्तान में तो क्लियर कट तय है ना कि 5 साल में इलेक्शन होंगे, और असम्बली अगर वक्त से पहले तोड़ दी जाएगी तो 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे। ये थोड़ी आईन में आप फिर गलत बयान ही कर रहे हैं सैफुद्दीन साहब। अर्ली डिसॉल्व करने पे कौन से इलेक्शन? 90 डेज नहीं सर, 90 डेज में होने चाहिए। अच्छा, ना हुए तो उसके ऊपर कोई अब देखे ना, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ अभी काजी फायदी साहब बहुत मतलब जोर दे के कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और करवाने पड़ेंगे 8 फरवरी तक। लेकिन 90 डेज में इलेक्शन कराने का फैसला इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का था ना, जब पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ी गई थी, तो वो तो आज तक नहीं हुए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये पूछ भी नहीं रही कि भाई क्यों नहीं हुआ इलेक्शन वक्त पे हुए, तो किसी पे कंटेम्प्ट लगे, किसी पे मामला आगे चले। असल में पूरा निजाम इतना धर्म भरम कर दिया। पैसे नहीं थे, फंड्स नहीं थे, हालात नहीं थे, फिर कुछ लोगों को मौका भी देना था सर। देखिए अच्छी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी, देखिए अच्छी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी, और पाकिस्तान में तो खैर ये सिस्टम रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट तो खैर चले बहुत एक नपी तुरी चीज़ है, वरना या तो मार्शल लॉ लग जाता है, 10 साल मार्शल लॉ चलता रहता है, उसको कोई नहीं पूछता, और फिर उसके बाद अदालतें उसको जो है वैलिडेट कर देती हैं मार्शल लॉ को, तो मतलब बहुत सिस्टम खराब हो गया है। सैफुद्दीन साहब मुझे ये बताइए, डिलेमा तो है ना कि हम 5 साल बाद इस प्रोसेस के लिए आए हैं, और इस प्रोसेस की इब्तिदा मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल पहले हो चुकी थी। आज भी आपको पता है, पाकिस्तान शहरी इलाकों की बात कर रहा हूँ, लोगों को ये नहीं पता कि आज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे ऐसा नजर नहीं आया कभी। देखे ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक इदारा है इस काम को करवाने के लिए, जो 12 महीने और 24 घंटे जिसका काम इसी पर काम करना है, और वो ये काम करता है कि इतनी उसके अंदर डिलिमिटेशन के अंदर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने में इतने फ्लॉज छोड़ता है जानबूझ के कि लोग ढूंढ, मैं कैंडिडेट हूं यहाँ का, अब तक मुझे पता लग रहा है कि ये पॉकेट उठा के यहाँ डाल दिया गया, उस पॉकेट को निकाल दिया गया, मैं ढूंढ रहा हूँ उन पॉकेट्स को कि वो एक गली है और एक गली नहीं है। इनफैक्ट ये भी है। दूसरे आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नक्शा जारी किया है, ये जो हमारा स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वो करता है, यानी आप अंदाजा कीजिए, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसने नक्शा जारी किया है, उसमें उन्होंने 4 जो सर्कल नंबर लिखे हैं, इलाकों के नाम नहीं लिखे। अब अगर आपको चार्ज, आप मैं आपसे पूछूं आपका चार्ज है सर्कल नंबर क्या है, आपको भी नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा भाई, आप उसमें इलाकों के नाम लिख दो कि चार्ज नंबर ये है तो इसका इलाका ये है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, लेकिन जानबूझ के इस तरह का इबहाम रखते हैं कि लोग धक्के खाते फिरे। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन वोटर टर्नआउट कम होगा इससे, और वोटर टर्नआउट आमतौर पर किस तरह की जमातों को फायदा होता है? देखिए उस तरह की जमातों को फायदा होता है कि जिनको जितवाने के लिए कुछ कुवतें सरगर्म अमल होती हैं, फिर वो मैनिपुलेशन करती हैं, वोटर्स कम आते हैं, तो फिर अंदर बैठा हुआ स्टाफ जो है वो फिर वो कमी को पूरा कर रहा होता है। मैंने गुज़िश्ता इलेक्शन स्टाफ है, देखिए जो लोग नहीं है उनके बदले का वोट डल जाता है, पूरा करता है। मैंने गुज़िश्ता इलेक्शन भी लड़ा था 2018 का, तो उनसे जो पोलिंग स्टेशन पे लोग मौजूद थे, बहुत सारे लोग थे मुख्तलिफ तरह के, उनसे हम पूछ रहे थे कि ये रिजल्ट जब जमा हो गया है, आपने सब वोट काउंट कर लिए, तो आप इसको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये रिजल्ट अभी काउंट होने के बाद ये हम एक जगह भेजेंगे, वहां से जब आएगा कि जी इसको अनाउंस करें तो हम अनाउंस करें। हाँ, बस ठीक है, वो काउंटिंग इससे आप गिला ना करें, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो सही काउंटिंग चाहते हैं, उस जानते हैं कि सही काउंटिंग। अच्छा देखिए, लेकिन इसको ठीक करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी ना। देखिए बात यह कि अगर हम सब इसका रोना रोते रहे कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, देखिए जमात इस्लामी इसे बिलीव रखती है कि सब कुछ के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात में भी इसी तरह के मसाइल थे, डिलिमिटेशन खराब हुई थी, लॉ बहुत खराब था, जो ये हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट है बहुत खराब, इतना खराब किया जानबूझकर इसको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2013 में बनाया। मैं परवेज मुशर्रफ साहब एक आमिर थे, लेकिन मैं कहता हूँ इतना शानदार लॉ उन्होंने बनाया था, 2001 का जो ऑर्डिनेंस था उनका, बाद में एक्ट बना वो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको तब्दील किया ये कह के कि वो एक आमिर का लॉ है, और इतना खराब लॉ लाए जिसने कुछ डिफाइन नहीं है। कुछ खबरी दे दूं, बिलावल साहब ने कहा अगली हुकूमत हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर बना रहे हैं। सलमान साहब ये जरा बताएं, जो इलेक्शंस हम जिसकी बात कर रहे हैं, आपकी दानिश में आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर हो जाते हैं तो किस हद तक काबिले कबूल होंगे, ये एक बड़ा मैटर है ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इलेक्शन ना होने की तो बहुत सारी वजूहात बताई जा सकती हैं, बहुत सारी रीजन, मौसम की सूरत जो नजर आ रहा है, जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि फ़िलहाल इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बावजूद इसके कि सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी जमात इस्लामी,
जमात इस्लामी इसमें काफ़ी आगे है, उनका मंशूर तो बहुत पहले आ गया था, पीपल्स पार्टी ने अभी हाल ही में अपने मंशूर का अनाउंसमेंट किया है, और शायद तहरीक इंसाफ का मंशूर मैंने नहीं सुना अब तक आया नहीं। तहरीक इंसाफ तो पार्टी नहीं है ना इलेक्शन का। जी तो वो मैं आगे आप मिस कर रहे हैं लगता है। मैं बता, देखें मसला ये कि इलेक्शन यकीनन होने जा रहे हैं, और इस इलेक्शन की ख़ास बात यह है कि कुछ पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं जेल से बाहर आने के लिए, और कुछ पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं जेल से अंदर जाने से बचने के लिए। अब मसला ये है कि मकबूलियत किसके पास है और कबूलियत किसके पास है, तो वहाँ ज़रा फ़र्क है, काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क है, और इसमें यकीनन हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून काफ़ी उस हद तक सेटिस्फाई है कि यकीनन उसके चांसेस जो है कुछ तो ज़्यादा बनते जा रहे हैं। कुछ कबूलियत के दर्जे में तो है जी, वही मैं कह चुका हूँ कबूलियत के दर्जे में। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो रिवाज रहा है हमेशा इलेक्शन में, मज़लूमियत की जो नैरेटिव होता है वो जिस पार्टी के पास होता है वो हमेशा इलेक्शन जीतती है। सही है। पीडीएम की हुकूमत से पहले ये नैरेटिव, ये ट्रॉफी मुस्लिम लीग नून के पास थी, वोट को इज्जत दो। जी जी जी, वोट को इज्जत दो, या वो उन्होंने काफ़ी बाय इलेक्शंस भी जीते हैं, लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत आई जो 14 महीने गुजरे हैं उसके बाद काया पलट गई। सही है। और ये ट्रॉफी चली गई दूसरी पार्टी के पास, मगर मसला ये है कि फिर वही मकबूलियत और कबूलियत वाली बात है, कबूलियत ज़रा कुछ कम है तो वहाँ के चांसेस तो तब्दील हो जाएगी, इतने ज़्यादा रही है फिलहाल जो नज़र आ रहा है। देखें आपने इलेक्शन के हवाले से बात की, जो नज़र आ रहा है उसके लिहाज से कबूलियत और मकबूलियत में काफ़ी। एक चीज़ और ज़रा ये समझाइएगा, मैं कल नून लीग की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो अपने पार्टी मंशूर का ऐलान कर रहे हैं, अब गालिबन पार्टी मंशूर का ऐलान 27 जनवरी तक का मौखर कर दिया है। इलेक्शंस के इतने करीब आ चुके हैं, अब भी जलसे मौखर हो रहे हैं, आज भी बहुत सी जगह, इनफैक्ट आपको पता है कि कैंडिडेट्स का जब टिकट के अनाउंसमेंट की जब बात आई बहुत सी पार्टीज़ ने इसको बड़ा डिले किया, बहुत हद तक रोके रखा, क्या पार्टीज़ को इस वक्त इस प्रोसेस के ऊपर उस अंदाज से यकीन नहीं है? इनफैक्ट बहुत से लोग कल मियाँ साहब की जो तकरीर थी उसको लेके भी सवाल उठा रहे हैं कि सडनली मियाँ साहब जिस बात को कहने के लिए आए थे वो बात नहीं की और सडनली वो अपनी तकरीर बीच में छोड़ के चले गए, तो इज़ देर एनीथिंग कुकिंग बिहाइंड? नहीं, देखिए बज़ाहिर तासुर ये लग रहा था कि शायद उन्हें भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन हो जाएंगे, शायद इसकी ये वजह हो, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि मकबूलियत के लिहाज से जो है मुस्लिम लीग नून का वो ग्राफ नहीं है जो दूसरी पार्टी का है, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो दूसरी पार्टी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस पार्टी को मुहैया करी जा रही है, मुसलसल मुहैया करी जा रही है, लेकिन लग ये रहा है कल के जलसे के बाद ये एक थोड़ी सी हमने चेंज देखी। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज भी उनकी पॉजिटिव इतनी नहीं है जितनी के दूसरी पार्टी जिस तरह जमात इस्लामी की पॉजिटिव नहीं है। नहीं, हालांकि सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इदारे हैं वो उनके साथ हैं, मगर इसके बावजूद उनकी वो इसका सबूत सबसे बड़ा इरादे हैं, जो इरादे हैं उनके साथ। जी हाँ, जो इरादे हैं जी जी उनके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर के। लेकिन सैफ साहब जरा मुझे एक चीज़ प्लीज़ ज़रा कंफर्म कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके ऊपर जमात इस्लामी ने बड़े रद्द अमल दिया, हाफिज़ नईम साहब ने एक रद्द अमल दिया, आपने इलेक्शन कमीशन को भी एक लेटर लिखा, गालिब सुप्रीम कोर्ट को भी एक लेटर लिखा, और उसमें आपने मुतालबा किया कि जिस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की गुफ्तगू की गई है उसको दीगर पार्टीज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका कोई जवाब आया? उसका जवाब ज़ाहिर है क्या आएगा, उसके जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। खत पहुंच गया, इसका जवाब आ गया आपको डाक के? हाँ, खत तो पहुंच गया, तो टीसीएस से भेजा था उनको, पहुंच गया, जाहिर है उसी कंफर्मेशन आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया, लेकिन देखें जमात इस्लामी ने बावजूद इसके कि पीटीआई जाहिर है हमारी एक अपोनेंट पार्टी या कंटेस्टेंट पार्टी है हमारे मुकाबले पर, लेकिन हम इस बात पर बिलीव रखते हैं कि ये जो जुल्म और ज्यादती हो रही है ना, अच्छा ये मुसलसल है। देखिए नवाज शरीफ साहब को जिस तरह नाहल करार दिया गया था वो भी हमारे नज़दीक एक पूरा का पूरा एक मैनिपुलेटेड गेम था, और इसी तरह दूसरी पार्टियों के साथ भी होता रहा। हम इससे बिलीव रखते हैं कि सिस्टम को ठीक करें, वरना मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है पूरे मुल्क का। आप देखिए जो बेयकीनी वाला सिस्टम है और ये जो करप्शन जिसकी वजह से पूरा मुल्क का सिस्टम ख़राब हुआ है, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि कोई सिस्टम यहाँ पर प्रिवेल नहीं कर पा रहा, और जिस तरीके से तब्दीलियाँ आ रही हैं और हर इदारा यूज़ हो रहा है, यानी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तानी अवाम का एक एतबार और यकीन होना चाहिए ना कि
लेकिन हर आदमी उसको मशकूक नजर से देख रहा है कि सर, ये प्रोपेगेंडा भी तो होता है ना, एक आपको भी पता है कि हमारे यहाँ की कोई नई बात तो नहीं है, जो जो बेनिफिट हो करता है वो बोलता है बहुत अच्छा हुआ, जिसके मुखालिफ फैसला आता फिर उसके ऊपर। मुझे बताइए कि काजी फायद ईसा साहब जिस तरह पुराने फैसलों को रिवर्स कर रहे हैं और जिस तरह वो घड़ी घड़ी अपने जजों के तस्वीरें दिखाए, कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, इन लोगों ने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ, इनकी तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हुई हैं, और काजी फायद ईसा साहब खुद अपने जजिस के फैसलों को जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं फैसलों की बात नहीं करता, मैं इनकी बात करता हूँ, दैट्स अ फेयर इनफ कमेंट। मेरे ख्याल से वो कोई इतना बुरा कमेंट तो नहीं है, उतना बुरा कमेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है ना। फिर तो आज यहाँ पे भी आती है कि अगर एक पिशावर हाईकोर्ट की अदालत, वहां भी मौजूद जजेस साहबान है, वहां एक वो फैसला करते हैं, वो एक तफसीली फैसला आता है, उसके बरक्स कोई और पाकिस्तान की अदालत उसी आइन के इंटरप्रिटेशन के साथ कोई और फैसला करती है, तो फिर ये तो बड़ा सवाल है। काजी फायद ईसा साहब आज जो फैसले कर रहे हैं या इनकी जो बेंचें फैसले कर रही हैं, कल ये बाकी रहेंगे, इसकी क्या वो है? फिर देखिए पीटीआई वाले मामले में काजी फायद ईसा साहब जिस तरह के सवाल कर रहे थे ना सारा दिन, उन्हें जिस तरह जो सुप्रीम ये प्रोसीडिंग जो चल रही है ना मीडिया के ऊपर, अच्छा है लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं इस बात को, कि उससे लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि देख जिस बारीकी से माइन्यूटली और माइक्रो लेवल पे जाके आप एक पार्टी को खंगाल रहे हैं। अच्छा आपने बाकी आपने अवामी नेशनल पार्टी को 20,000 रुपये जुर्माना करके कहा जी जाए आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, आप इलेक्शन लड़ लें, आपने नहीं कराए आप इलेक्शन लड़ें, आपने मुस्लिम लीग नून उसका भी अनपोज, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में सारी सियासी जमातों का है ना। इनफैक्ट एक और डिटेल बताते हैं, एक पाकिस्तान की एक और जमात है जिसको टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान कहा जाता है, उसने भी अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो नई पार्टी एस्टैब्लिश हुई है अनअपोज सारे कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने भी दरख्वास्त की कि बल्ले का निशान उनको दिया जाए। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का जब लौटेंगे तो इस सवाल से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।